नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राजद के विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा कि मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में कोर्ट के द्वारा आदेश मिलने तक राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लेना संभव नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ देना चाहती है और प्रोन्नति आरंभ करने को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 11 अप्रैल 2019 तक प्रोन्नति दी जा रही थी, लेकिन इस बीच अरविंद कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में पटना हाई कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना माना। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के महाधिवक्ता से इस मामले में राय ली गई है। उनकी सलाह पर वरिष्ठ और विद्वान अधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख और कोर्ट का निर्णय आने तक कर्मियों को प्रमोशन देना न्यायोचित नहीं होगा। मुरारी मोहन झा समेत अन्य विधायकों के ध्यानाकर्षण सूचना पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोर्ट ने 2008 में ही अनुदानित संस्कृत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना है। इस कारण उन्हें सरकारी कर्मी के समान वेतन व अन्य सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 जनवरी 1990 के प्रभाव से कर्मियों को सरकारी कर्मी का वेतन मिला था। यह अध्यादेश के रूप में 30 अप्रैल 1992 तक प्रभावी रहा। अवधि विस्तार नहीं करने और अध्यादेश को अधिनियम नहीं बनाने से यह सुविधा समाप्त हो गई। वहीं 2008 में कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया। बावजूद इसके प्रश्नगत विद्यालयों के कर्मियों को 5वीं एवं 6ठी वेतन अनुशंसा के अनुरूप देय मिल रहा है, जबकि इनके लिए 7वां वेतन अनुशंसा भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिवरात्रि की छुट्टी को लेकर 11 मार्च को विधानमंडल की कार्यवाही नहीं होगी। 13 और 14 को क्रमशः शनिवार रविवार के वजह से भी बैठक नहीं होगी। वहीं गुरुवार को विधानसभा में भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने 12 मार्च की कार्यवाही को स्थगित करने और इस दिन सूचीबद्ध कार्यों को अन्य दिनों में समाहित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीच में सिर्फ एक दिन 12 को सदन खुला रहने से सदस्यों को क्षेत्र आने जाने में कठिनाई होगी। 12 को स्थगित कर दिया जाता है तो 10 मार्च के बाद सीधे 15 मार्च को सदन की बैठक होगी। राजद विधायक ललित कुमार यादव ने उनकी इस मांग का समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। बताते चले कि बिहार सरकार के कई कर्मचारी प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं। नई सरकार के गठन के बाद कर्मियों को इस बात की उम्मीद है कि अब जल्द ही उन्हें प्रमोशन मिलेगी, लेकिन यह मामला कोर्ट में लंबित है और विधानसभा में मंत्री ने इस बाबत सरकार का पक्ष भी रख दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोर्ट के निर्णय के बाद ही कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। मतलब साफ है कि बिहार सरकार के कर्मियों को प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार अपने कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए प्रयासरत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।